आज यहाँ पे मौलाना आज़ाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यहाँ की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से और क़याम इंसानियत की तरफ से साथ में कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ से और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर संजीव सिसोदे उनकी तरफ से जो डिप्रेशन में लोग हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है इसके बारे में एक कार्यशाला थी और हेल्पलाइन मोबाइल नंबर जारी किए जाएंगे। और मेरा जो भी लोग थोड़े डिप्रेशन में जैसा फील कर रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि बुरा वक्त है, थोड़े दिनों में निकल जाएगा। 3-4 महीने हमने काफ़ी मुश्किलात के गुजारे हैं और 2-3 महीने में स्थिति नॉर्मल होनी चाहिए, इसलिए आप धैर्य ना छोड़ें, आप अपना जो पेशेंस है ना छोड़ें और जो भी इलाज विलाज की ज़रूरत पड़ेगी हेल्पलाइन मौजूद है, आप इसकी मदद ले सकें। ठीक। तहरीक पैम इंसानियत हेल्पलेस हेल्पिंग हैंड और ग्रुप और डॉक्टर संदीप सिसोदिया सर, कादरी सर, इन लोगों की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद में जो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से पीड़ित लोग हैं और जो परेशान हैं और जो समझते हैं कि अब ये लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन और ये बीमारी बाहर निकलने का खौफ ये हमको जीने नहीं देगा, हम इस स्टेट से इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहते हैं कि जैसा हम लोग बार बार एक शेर बोलते हैं कि घर सारा जल गया बचा ही क्या है। लोग सोचते हैं कोरोना आ गया तो तबाही मच गई क्या होगा, घर सारा जल गया बचा ही क्या है। दूसरा इंस्पायरिंग मिसरा है कि जब मैं बच गया तो फिर जला ही क्या है, आप है जहाँ है जहाँ है। इसी तरह ये कोशिशें हमारी रहेंगी कि हम लोग औरंगाबाद के लोगों को खड़ा करें और उनकी हिम्मत बढ़ाएं और उनको डिप्रेशन से बचाएं क्योंकि हालात गुजर जाएंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग, प्याम इंसानियत फोरम, सेल्फलेस हेल्पिंग हैंड्स और काउंसलिंग सेल फॉर स्टूडेंट्स डॉक्टर रफ़ी ज़करिया कैंपस की जानिब से ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने मुनक़िद किया था। आज यहाँ पे शहर के औरंगाबाद शहर के 25 से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट किया गया था। पुलिस कमिश्नर साहब अली जनाब चिरंजीव प्रसाद साहब का ये कॉन्सेप्ट है कि लॉकडाउन की वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो लोग आज परेशान हैं और बहुत सारे केसेस सुसाइडल अटेम्प्ट्स के भी हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, तो इन चीज़ों को से लोगों को बाहर निकालने के लिए लोगों की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना ज़रूरी है। अब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने के लिए हम लोगों ने पिछले महीने में 18, 19 और 20 तारीख को 3 दिन का टेलीफोनिक काउंसलिंग सेशंस लिया था, तो हमको उन 3 दिनों में 200 से ज़्यादा फ़ोन आए थे। वो फ़ोन्स के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव है, बहुत डिप्रेशन के शिकार हैं लोग। ऐसे लोगों को 1-to-1 इंटरेक्शन और उनकी अलग अलग सेटिंग्स लेके उनका जो ज़हनी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को कम करने के लिए उनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स कायम करना ज़रूरी है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब से इंशाल्लाह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग काउंसलिंग सेंटर्स हम लोग बनाने वाले हैं। उन काउंसलिंग सेंटर्स पे आज जो साइकियाट्रिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इन लोगों से हम लोग इनकी कन्वीनियंस के हिसाब से इनका वक्त लेने वाले हैं और उस काउंसलिंग सेंटर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ महाराष्ट्र साइकोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आने जनाब संदीप सिसोदिया साहब हैं, तो तमाम साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट इनिशिएटिव ले रहे हैं, वॉलेंटरली हम लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को डिप्रेशन से बाहर। थैंक यू।